अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो नहारशी का नया वाला लैपटॉप है, पुराना वाला लैपटॉप तो उस दिन गिर गया था। मतलब नहारशी ने अभी तक इसमें कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया है। मुझे उनकी अलमारी में देखना चाहिए। नहार, आज कितना मजा आया ना शॉपिंग करके। मजा तो आया। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाके कमरे में आराम करो, थक गए हो, और मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूँ, ठीक है? अब ये तुम ले जाओ। दो मुझे, बिल्कुल। ये सब क्या है? लैपटॉप, कपड़े। क्या हाल बना दिया तुमने मेरे कमरे का? क्या छानबीन कर रही थी तुम? चोरी करी थी क्या? चोरी करी थी तुम? नहीं नहार जी, वो नहीं, वो मैं। क्या क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ। नहार बेटा, छोटी माँ, दादी ये कमरे में चोरी कर रही थी। नहीं बेटा, दिखाओ हाथ में क्या है। मैंने कहा हाथ में दिखाओ क्या है, दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ। बेटा, छोटी माँ, दादी देखिए ये कमरे में चोरी कर रही थी। छोटी माँ, दादी देखिए ना, क्या हाल बना दिया इसने मेरे कमरे का। बेटा मैंने ही रूही से कहा था जाके नहार का कमरा साफ कर दो, तो बस रूही साफ सफाई कर रही थी और कुछ नहीं। छोटी माँ, आप ही से बोल दीजिए, बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में ना आए। ठीक है बेटा। रूही जाओ यहाँ से। रूही, ये कैसी सफाई की है तुमने? पूरा कमरा फैला दिया है तुमने। सॉरी मम्मी जी, वो नहार जी के अलमारी में दीमक लग गया था, तो मैं उनकी अलमारी साफ कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, ट्रेलर के पास कपड़े दिए हैं, जाओ जाकर लेकर आओ। जी। रूही, मैं तुझे एक एड्रेस भेज रही हूँ, तू मुझे वहां पर मिल। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या बात है, ये नकली चुटकुली तो एकदम असली चुटकुली जैसी लग रही है। अब जब समर्थ अमात जी बावर्ची बनकर घर आएंगे और जूही खाने की कोई हिदायत देने समर दामाद जी के पास आएगी, तो मैं ये नकली छिपकली जूही पर मार दूंगी। दूर से जूही डर के मारे समर दामाद जी से चिपक जाएंगी, ऐसे में तो उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाएंगी। क्या दिमाग पाया है तूने पूनम्मा। छिपकली, इसको ट्राई तो करूं एक दो बार के फागे में, ये चिपकती है
मेरा निशाना इतनी दूर से सही लगता है या नहीं, ट्राई करती हूँ। चिपली 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 पिंगुजी चिपली पिंगुजी चिपली पिंगुजी चिपली। ये मेरी चाल मुझे पे भारी पड़ गई। अब क्या करूं? अरे मलिष्का जी, अरे ये नकली चिपकली है। सुन, नकली चिपकली? आप पता ऐसे डर रही थी। नकली चिपकली यहाँ पे कहाँ से? भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई। थैंक यू पिंगुजी, आपने मुझे बचा लिया ये चिपकली से। क्या हो पिंकू जी? मलिष्का जी, आपकी आंख? आंखें? पिंकू जी, मेरी आंखों पे कुछ चला गया। मैं अभी आती हूँ। एक पल को मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे ये पलक की आंख थी। बाल बाल बच गई, मैं बाल बाल बच गई। और अगर पिंकू देख लेता तो मुझसे सा सवाल करता कि मैंने ऐसा किया क्यों है। इससे पहले कोई और मुझे देख ले, मैं ये चिपकली उठा लूं जल्दी से। ठीक है, लेंस दिख रहा है। ये तो मलिष्का जी के आंखों का रंग जैसा लग रहा है। मलिष्का जी लेंस लगाती है? मैडम, मैंने आपके पुराने फोन का सारा डाटा इस नए फोन में डाल दिया है, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू भैया। मैं सुनना, सबसे पहले मैसेजेस चेक कर, तो जिसमें जरूर कुछ मिलेगा। हाँ। क्या हुआ रूही? एक सेकेंड। ये देख रूही, उस दिन नाहर जी के फोन से मुझे मैसेज आया था। नाहर जी ने मुझे लैंडमाइन वाली जगह पर बुलाया था, लेकिन नाहर जी के फोन में तो उस मैसेज का कोई डेटा ही नहीं है। देख एक मिनट भैया, सुनिए ना, पक्का सारा डाटा रिकवर हुआ था ना? हाँ मैडम, सारा डाटा रिकवर किया था, आप खुद ही देख लीजिए। थैंक यू। रूही, क्या करेंगे, क्या सोच रही है तू? कहीं ऐसा तो नहीं नाहर जी ने मुझे वो मैसेज भेजा ही ना हो? लेकिन अगर उन्होंने वो मैसेज मुझे नहीं भेजा तो फिर मेरे पास मैसेज आया कैसे? कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है? कहीं कोई जानबूझकर मुझे और नाहर जी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता था? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वो मैसेज भेजा किसने होगा। जूही, उस दिन तो हमारे घर आई थी ना, और जीजू तुझे शाम को मिलने वाले थे, ये बात तो सिर्फ तेरे ससुराल वालों को पता थी ना? जूही, तो जूही पहले पूरी बात तो सुन ले, उसके बाद रिएक्ट करना। ठीक है, बोल। अच्छा देख, उस दिन तू जीजू के साथ घर से बाहर जाने वाली थी उनको मिलने के लिए, और ये बात सिर्फ तेरे घर वालों को पता थी, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता थी। और नाहर जीजू का फोन तेरे घर वालों के अलावा और कौन ही इस्तेमाल करेगा?
कोई भी नहीं। तो ये भी तो हो सकता है ना रूही कि किसी ने वो मैसेज खुद करके बाद में से डिलीट कर दिया हो। नहीं नहीं जूही, कोई भी घर वाला ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी एक बार को वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नाहर जी को तो बिल्कुल भी। और जूही तो खुद सोचना, वहां पर नाहर जी और मैं हम दोनों ही थे। जूही अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नाहर जी वहां कैसे पहुंचे, किसी ने उनको फोन किया या उनको मैसेज किया वहां पर आने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूही सुनना, एक बार तू कॉलर मैसेजेस फिर से अच्छे से चेक कर, क्या पता कुछ मिल जाए। देख अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।